So, hello दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही कमाल होने वाला है क्योंकि हमारा बजट है 70,000 के अंदर जिसमें हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं और हाँ दोस्तों आज के जो पीसी बिल्ड है इसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल स्मूथ तरीके से आप कर पाएंगे, एडिटिंग करना चाहते हैं तो भी बहुत ही स्मूथ तरीके से आप कर पाएंगे इस पीसी बिल्ड में। दोस्तों इस पीसी बिल्ड को बनाने का मकसद इन भाई ने कमेंट किया था कि मैं 70,000 का पीसी बि
तरीके से कर पाए तो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस पर दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप कोई भी छोटी छोटी जानकारी मिस ना कर पाए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको बाकी बहुत सारी वीडियो इसी रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। आप इनको चाहे चेकआउट करिए, हो सकता है आपके काम की भी यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पे आपको बहुत ही जल्द आपको कुछ समय में आपको YouTube के बारे में भी आपको कुछ टिप्स ऐसे देने वाला हूँ जिससे आप YouTube पर अगर काम करना चाहते हैं तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारी सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस पीसी बिल में हमने Ryzen 5 5600X प्रोसेसर लिया है। दोस्तों इस प्रोसेसर में आपको बहुत सारी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी अच्छी अच्छी, जिसमें आप अगर गेमिंग करना चाहते हैं, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, जो कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट है। बाकी अभी अगर इस समय की बात करें तो इस समय आपको i5-12400F देखने को मिल जाएगा जो इसके टक्कर में आ चुका है, तो उसका बिल भी आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इस बजट में उस पीसी को बिल करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ही जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि ये प्रोसेसर और Ryzen i5-12400F के साथ आपको कौन सा पीसी बिल करवाना चाहिए। बाकी इस पीसी बिल में हम एमडी के साथ पीसी बिल कर रहे हैं। दोस्तों ये बिल जो है बहुत ही कमाल करने वाला है, इस पीसी बिल में भी आपको कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो चलिए बड़े बड़े स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमडी का Ryzen 5 5600X है, इसमें आपको 6 कोर और 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। इसमें अगर आप स्पीड की बात करें तो आपको 3.7 GHz से लेकर 4.6 GHz तक की स्पीड देखने को मिल जाती है। अनलॉक्ड प्रोसेसर, इसमें आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये जो प्रोसेसर 500 सीरीज के चिपसेट को मदरबोर्ड को जो है सपोर्ट करता है। और दोस्तों इसमें आपको 32 MB का कैश देखने को मिल जाता है। ये जो मदर प्रोसेसर आपको DDR4 3200 MHz तक के रैम सपोर्ट के साथ मिल जाता है। डुअल रैम सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको PCIe Gen 4 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लाभ इसकी स्पेसिफिकेशन ही है, आप चाहे तो इनकी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हमने जो मदरबोर्ड लिया है ये बहुत ही बजट सेगमेंट का आने वाला मदरबोर्ड है। B550MDS3H मदरबोर्ड हमने लिया है, बहुत ही बजट सेगमेंट में रहते हैं क्योंकि हमारा बजट 70,000 के अंदर होगा, तो इसी बजट में होती है हमें सारी सारी चीजें लेनी है। दोस्तों यहाँ पे हमने जो मदरबोर्ड लिया है इसमें हमने जो कि परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी कमी नहीं करी है। आप यहाँ से चाहे तो इस मदरबोर्ड के साथ जाएं, चाहे तो आप इससे और भी अच्छे मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं। B550 वाले मदरबोर्ड के साथ, B570 वाले मदरबोर्ड के साथ जाने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो B520 वाले मदरबोर्ड के साथ भी आप जा सकते हैं, B450 के साथ भी जा सकते हैं। थोड़ा सा बायोस अगर आप अपडेट करना चाहते हैं या फिर बायोस अपडेट आपको करके मिल रहा है तो वहां से आप चाहे तो जा सकते हैं। तो इस मदरबोर्ड में आपको PCIe 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको RGB Fusion 2.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप RGB लगाना चाहते हैं कैबिनेट में इस टाइप की या फिर इससे भी अच्छे की तो आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से सपोर्ट कर पाएंगे। बाकी उसमें अगर आप जो रैम PCIe का सपोर्ट देख रहे थे, आपको PCIe Gen 3 और Gen 4 दोनों का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल NVMe लगाने का सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे लगा पाएंगे। बाकी उसको यहाँ पे और भी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं उतनी, आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड में दोस्तों आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 4 RAM स्लॉट देखने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे डुअल NVMe का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो ये सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। तो फ्रेंड्स चाहे तो आप इसे और भी अच्छे मदरबोर्ड के साथ जाएं जहाँ पे आपको और भी अच्छी क्वालिटी देखने को जरूर देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इस पीसी बिल में हमने XPG की तरफ से आने वाले ADATA XPG Gaming D30 8GB वाली डुअल रैम लगाई है। दोस्तों ये रैम आपको इजीली कहीं भी अगर आप ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ले रहे हैं चाहे ऑफलाइन, आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। ये रैम काफी अच्छी है, अगर आप RGB रैम लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो यहाँ पे SSD लगा दी गई, दोस्तों इस पीसी में कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं लगा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको स्टोरेज का इशू रहता तो आप चाहे तो 500 GB 1 TB 2 TB के हार्ड ड्राइव अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं बजट अकॉर्डिंग के साथ। तो दोस्तों इस पीसी में हमने क्रूशियल की तरफ से P3+500 GB वाली हमने जो यहाँ पे NVMe M.2 SSD लगाई है। दोस्तों ये जो PCIe 4.0 को सपोर्ट करता है जिससे आपको स्पीड काफी अच्छी मिलने वाली है। दोस्तों हमारा जो मदरबोर्ड है वो PCIe Gen 3 और Gen 4 दोनों को ही सपोर्ट करता है, तो आप चाहे तो 3 के साथ भी जा सकते हैं, चाहे तो 4 के साथ भी जा सकते हैं, आप अपनी चॉइस अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी SSD यूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें अप टू 5000T स्पीड आपको देखने को मिलने वाली है रीड और राइट स्पीड की बात करें तो। बाकी दोस्तों यहाँ पे अपने बजट अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं।
दोस्तों इस पीसीबी में हमने 550 वाट की पावर सप्लाई यूज करी है। आप किसी भी कंपनी के पावर सप्लाई के साथ जा सकते हैं। हमने यहाँ पे दो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। आप चाहे तो एनटेक की तरफ से हमने एटम V550 550 वाट की पावर सप्लाई के साथ जा सकते हैं। ये भी 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है और बाकी कूलर मास्टर की भी 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड आपको देखने को मिल जाएगी। इन दोनों में से आप चाहे तो जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको बजट का इशू है तो थोड़ा सा आप 450 वाट के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर जो मैं आपको ग्राफिक कार्ड बताऊंगा उस पे आपको नोटिस चेक कर लेना होगा कि वो ग्राफिक कार्ड कितने वाट तक की पावर को यूज करता है, उसी हिसाब से ही आप अपना पावर सप्लाई लगाएं। बाकी सो इसमें जो मैं आपको पावर सप्लाई बता रहा हूँ ये इनफ है, आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा के यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जो कैबिनेट लिया, हमारे जो भाई है जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए पीसी बिल रहा है, उन्होंने कमेंट किया था कि हमें व्हाइट कैबिनेट चाहिए, तो उनके लिए भी इसमें आपको व्हाइट कैबिनेट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी हमने इस पीसी बिल में जो कैबिनेट दिया है ये कैबिनेट देख सकते हैं काफी अच्छा है और लुक वाइज भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डुअल फैन आगे में आपको आज भी देखने को मिल जाते हैं, बाकी डायमंड कट मेस देखने को मिल जाता है, आगे तरफ पीछे आपको फैन देखने को मिल जाता है, इस तरह से आपको इसमें चीजें देखने को मिल जाती हैं। इस कैबिनेट का नाम है एंड स्पॉट आइस 310 MP जो मदरबोर्ड है, इसमें आपको 180 mm के टू फ्रंट जो कि आगे देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप पोर्ट देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आप दूसरा कैबिनेट देखना चाहते हैं तो ये कैबिनेट भी आपके लिए एक अच्छा रहेगा। इस कैबिनेट का नाम है एंड स्पॉट आइस 280 GW, इसको भी आप चाहे तो चॉइस में ले सकते हैं, व्हाइट में है। और एक कैबिनेट और भी इलेक्ट्रॉनिक वाला NXT3 साइलेंट व्हाइट मिड टावर ATX गेमिंग कंप्यूटर केस, तो आप इसको भी चाहे तो ले सकते हैं। ये भी आपको साइलेंट टेम्पर्ड ग्लास के साथ देखने को मिल जाएगा, व्हाइट में काफी अच्छा है, इसको भी आप अपने बजट अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारी चीजें बता दी। दोस्तों यहाँ पे जब मैं आपको ग्राफिक कार्ड बता रहा हूँ, यहाँ पे दो ग्राफिक कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इस पीसी बिल्ड में आप जो मैं आपको यहाँ ग्राफिक कार्ड बता रहा हूँ उन ग्राफिक कार्ड में से कोई भी ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं, 2060 2050 या फिर RX 6600 3060 ये ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। अगर आप अगर थोड़ा सा और बजट बढ़ा सकते हैं तो इससे और भी बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको RX 6800 या फिर 3080 3070 के साथ आप चाहें RTX 3070 3080 3090 RTX है तो उनके साथ भी आप चाहें तो जा सकते हैं। बाकी दोस्तों इस पीसी बिल्ड में हमने लिया है असूस की तरफ से हमारा डुअल RX 6600 8GB वाला गेमिंग ग्राफिक कार्ड में लिया है। इस ग्राफिक कार्ड में आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 3 डिस्प्ले पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, एक HDMI पोर्ट यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिल जाता है और बाकी दोस्तों इसमें और भी जो चीजें हैं यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने आपको मेंशन कर दिया है। दोस्तों इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप वहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट रहता है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिए। बाकी दोस्तों अगर आप कोई पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर पीसी बिल्ड वाली वीडियो बना देंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कितने में अगर आप कोई भी सामान लेंगे तो कितने में आपको पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमारा प्रोसेसर 17,000 में मिल जाता है, आप कहीं से लें चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जहाँ से भी आप चाहें ले सकते हैं। मदरबोर्ड हमारा 9,000 रुपए में मिल जाएगा, इससे अगर बजट बढ़ा सकते हैं 2,000-4,000 तो आपको इससे भी अच्छे मदरबोर्ड देखने को मिल जाएंगे। रैम आप यहाँ पे डुअल लगा रहे हैं 8 GB का तो यहाँ पे 4,500 रुपए, SSD हमारे 5,500 रुपए आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आप इसमें SSD आप अपने हिसाब से चाहे तो चॉइस में ले सकते हैं अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन ले रहे हैं तो। पावर सप्लाई हमारी 3500 रुपए में मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, ये सभी जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ सब आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी उसमें यहाँ पे AIO हमारा 1400 रुपए हो गया और हमारा ग्राफिक कार्ड 26,000 रुपए में आपको ऑनलाइन देखने मिल जाएगा। दोस्तों आप ऑफलाइन जाते हो उस समय ग्राफिक कार्ड के प्राइस बहुत ही ज्यादा डाउन है, आप जल्दी से ज्यादा फटाफट कोई भी ग्राफिक कार्ड अपनी चॉइस की बॉडी ले रहे हैं जो आपको सस्ते में मिल जाए। हमारा बजट हो जाता है 69,900 रुपए, तो 70,000 में हमारा पीसी बिल बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो जाएगा। बाकी दोस्तों हमें एक और पीसी बिल करने वाले इंटेल के साथ, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। अगर दोस्तों आपके मन कोई डाउट हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, पीसी बिल करवाना चाहते तो भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए जय हिंद।